नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रैफिक सिग्नल्स की टेक्नोलॉजी किस प्रकार वर्क करती है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है तो अभी ट्रैफिक में भी थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करने वाले हैं। और अब क्या होगा कि अब कुछ नई टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो आपको जैसे कि पता है कि इंडियन जो ट्रैफिक सिस्टम है, सिग्नल सिस्टम है, वो वर्क करता है टाइम पे, यानी हर 30 सेकंड के बाद में उनका कलर जो चेंज होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा अपग्रेड होने वाला है। तो अब मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि वो कैसे अपग्रेडिंग सिस्टम पूरा नया जो है वो वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, अब जो आपने बहुत सारे बार देखा होगा मूवीज़ में, हॉलीवुड मूवीज़ में, कि उनके जो ट्रैफिक सिस्टम होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अब होगा ये कि आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल्स के नीचे आपने कभी ये लाइनें देखी होगी। तो ये लाइनें जो होती है, ये एक अंडरग्राउंड वायर्स होंगे। इसके नीचे क्या होगा कि ये पूरे जितने भी वायर्स हैं ये पूरे लूप से क्रिएट कर देंगे, और उसके नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो ये होगा कि आप उसके ऊपर कोई भी मेटेलिक सरफेस लाएंगे तो वो उस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी। जैसे कि अगर कोई कार उसके ऊपर आके खड़े हो जाती है उस वायर के ऊपर, अंडरग्राउंड वायर के ऊपर, तो क्या होगा, वो लूप क्रिएट करेगी। और वो लूप, क्योंकि कार मेटल की है, तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगी और वहाँ जो सिग्नल है वो रेड हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि थोड़े से समय बाद वो जो है उनका जो ऑटोमेटिक टाइमिंग रहेगा, जैसे अगर एक कार भी अगर आगे आके खड़ती है तो उसको रुकना पड़ेगा 10-12 सेकंड, जो भी उस समय फिक्स करते हैं वो। इसके बाद में वो कार का जो वहाँ से जा सकती है, 10 सेकंड के बाद में ग्रीन हो जाएगा, यानी वो पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम वर्क करेगा। अगर हम यही बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए कि अगर ये वाला सिस्टम आ जाए नया वाला, और क्या होगा अगर कोई इमरजेंसी आ जाती, तो अगर बाई चांस हम मान लो इमरजेंसी आ जाएगी कि कोई गिर जाता है और उसे वहीं के वहीं एम्बुलेंस बुला के लाना है, तो उसमें होगा ये कि क्या होगा कि एक नया सिस्टम उसमें डेवलप करेंगे कि आप जो है उसके ऊपर लाइट डायरेक्ट किया जाएगा। तो उससे होगा ये कि उस सिस्टम को पता चल जाएगा इमरजेंसी। लेकिन आप सोचते होंगे अगर कोई सा भी लाइट मार दिया जाए उस सिग्नल बोर्ड के ऊपर तो वो अनलॉक हो सकता है, यानी ग्रीन हो सकता है। लेकिन ये नहीं, क्योंकि जनरली जो लाइट होती है वो 10 KZ, किलो हर्ट्ज, जो 10 किलो हर्ट्ज की रहती है। लेकिन एक स्पेशल इमरजेंसी लाइट्स के लिए रहेगी, जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह, इन सभी में ऐसी लाइट प्रोड्यूस की जाएगी कि जो कि 14 किलो हर्ट्ज की रहेगी, और इसे इमरजेंसी लाइट की तरह यूज़ किया जाएगा। और ये लाइट जैसे ही उसके ऊपर पड़ेगा, सिग्नल्स के ऊपर, तो वो जो है ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरी टेक्नोलॉजी। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इंडियन टेक्नोलॉजी कैसे प्रकार वर्क करती है, 30 सेकंड के बाद में ऑटोमेटिक कैसे चेंज होता है, और बैटरी उसकी किस प्रकार वर्क करती है, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं उसकी भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।